नमस्कार विद्यार्थियों, 100% सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि दैनिक पाठ योजना बनाने से पहले किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए, किस प्रकार से बढ़िया दैनिक पाठ योजना बनती है, उसके बारे में विस्तार से इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले ऊपरी ऊपर दैनिक पाठ योजना नाम लिखना होता है। इसके आगे जैसे एक नंबर लगा रखा है तो इसमें आगे जैसे दूसरा है तो 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से जितने दिन आपका लेसन चलता है वो क्रम चेंज होता जाएगा, बाकी सेम रहेगा। अब यहाँ पे जैसे दिनांक, कक्षा, कालांश ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये थोड़ी सी व्यवस्थित करना है इसको। सबसे पहले ऊपरी ऊपर विद्यालय का नाम डाला जाता है, फिर उसके नीचे जो है आपका दिनांक है, कक्षा है, कालांश है, समय है, सब्जेक्ट है, पाठ्यक्रम है या पाठ्य प्रकरण है, तो ये इस प्रकार की जो ऊपर की जो रिक्त स्थान की पूर्ति होती है ये आपको व्यवस्थित रूप से करना होता है। जैसे आपको कॉलेज के अंदर बताया जाता है उसके हिसाब से यहाँ पे करना होता है। ये थोड़ी सी बच्चे ने ऊपर नीचे इसको कर रखा है, तो ये इस प्रकार सबसे पहले ऊपरी ऊपर विद्यालय का नाम आता है, फिर उसके नीचे इसको दो भाग में आप डिवाइड कर सकते हो। एक साइड में जैसे कक्षा लिख दी, दिनांक लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया या समय अवधि लिख दिया, ये इस प्रकार से आपको जैसे अच्छा लगे। इसको तीन पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो दो लाइनों को, और चाहो तो आप दो में भी रख सकते हो। तो इस प्रकार से इसमें थोड़ा सा सुधार करना है आपको। अब नीचे हम चलते हैं तो देखिए उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ठीक है। अब यहाँ पे ज्ञानात्मक ये अपने उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, ये अभिरुचि, अभिवृत्ति। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि आपको पाठ से संबंधित जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है उनके दो दो पॉइंट आप कम से कम दो दो लिखना होता है, आप चाहो तो तीन भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से मैं धीरे धीरे फाइल को आगे बढ़ा रहा हूँ, आप नोट करते जाओ। देखिए किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं करनी है, वीडियो को आप रोक रोक के और नोट करते जाओ। इस प्रकार से थोड़ी राइटिंग ठीक थी इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। बाकी ऊपर की जो पहली जो मेन हेडिंग होती है उसमें थोड़ा सा आगे सुधार करना है इसके अंदर भी, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं बैक लेता हूँ। ये देखिए वीडियो को धीरे धीरे मैं रोक के दिखा रहा हूँ आपको, इसको देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितने भी विद्यार्थी हैं अपने सहयोगी हैं, आपके सहपाठी हैं, उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना। आप इसको नोट करते जाओ। त्रुटियां नहीं करनी है, एक तो बच्चे विद्यार्थी के अंदर त्रुटि करते हैं, फिर लास्ट में सकेंगे इसके अंदर अनुस्वार में त्रुटि करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये इस प्रकार से पूरी शुद्धिकरण के साथ आपको लिखना है। इसके बाद में ये बिंदु पूरे हो जाते हैं और उसके बाद में आता है शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है। शिक्षण सहायक सामग्री दो प्रकार की होती है, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य के अंदर जैसे लपेट फलक हो गया आपका, संकेतक हो गया, जाड़न यानी डस्टर हो गया, श्वेत वर्तिका यानी चोक, मार्कर का यूज करते हो तो मार्कर लिखना है, जिस सामग्री का आप उपयोग करते हो वही चीज़ यहाँ पे लिखनी है। और ये सामग्री लिखने के बाद एवं अन्य कक्षोपयोगी सहायक सामग्री ये नाम लिख देते हो आप, तो ऊपर सामग्रियाँ लिखते हो उसमें कुछ छूट भी जाता है तो उसके अंदर समाहित हो जाएगी, यानी ये लिखने से वाक्य अच्छा हो जाता है और प्रभावी बन जाता है। इस प्रकार विशिष्ट सामग्री के अंदर चार्ट का यदि आप उस लेसन के दौरान उपयोग करते हो तो चार्ट का नाम लिखना है, लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना है कि चार्ट का यदि आपने यहाँ नाम लिख दिया तो उसका मिनीचर लगना लेसन के अंदर ज़रूरी है। प्रदर्शनी के अंदर कोई मॉडल वगैरह आप बनाते हो तो उसका छोटा मिनीचर भी इसके अंदर लगेगा। रंगीन चौक का उपयोग करते हो तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, यानी कहने का अर्थ विशिष्ट सामग्री के अंदर वही चीज़ लिखनी है जिसका आप उपयोग करते हो, ठीक है। इसके बाद में शिक्षण विधि और प्रविधि, तो यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर प्रविधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि एवं अन्य कक्षोपयोगी विधियाँ, इस प्रकार से एवं अन्य कक्षोपयोगी विधियाँ या जो भी चीज़ आप लिख देते हो ना वाक्य के लास्ट में तो वो चीज़ वहाँ उसमें निहित हो जाती है, अन्य विधियाँ। यदि कोई चीज़ मान लो आपने विधि का नाम छोड़ दिया, लिखना भूल गए, तो यदि ये नाम लिख देते हो तो उसके अंदर समाहित हो जाता है, यानी लेसन जो है प्रभावी बन जाता है। तो इसी प्रकार से आपको ये चीज़ें लिखनी है। फिर पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी जो भी आपका पाठ है के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है।
ये इस प्रकार से दो पेज का काम हो गया। अब तीसरा पेज, ये देखिए पेज नंबर मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। तीसरे पेज के अंदर क्या करना है कि यहाँ प्रस्तावना की क्वेश्चन बनानी है। प्रस्तावना कैसे होती है, क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, ये आपको माइक्रो टीचिंग के अंदर अच्छी प्रकार से समझा दिया जाता है। और यदि फिर भी आपको ध्यान नहीं है तो प्रस्तावना कौशल मेरा वीडियो जो है इस चैनल पे पहले मैंने डाल दिया है, उसको अच्छी प्रकार से देखना है और प्रस्तावना कौशल के बारे में आप अच्छी प्रकार से जानकारी ले सकते हो। इसमें ये है कि जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उसका जो उत्तर आता है, उस उत्तर के अंदर जो नाम आता है वो नाम दूसरे क्वेश्चन के अंदर आना चाहिए। जैसे यहाँ पर पदार्थ है तो यहाँ पदार्थ आ गया। फिर दूसरे का जो उत्तर निकला जैसे परमाणु है तो यहाँ तीसरे क्वेश्चन में परमाणु आना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से चौथे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में जैसे अणु उत्तर आ गया तो चौथे क्वेश्चन के अंदर अणु नाम आ गया। तो इस प्रकार से इसका जो चौथा क्वेश्चन है उसका उत्तर, जैसे मान लो रासायनिक बंध है, या चौथे क्वेश्चन का उत्तर आपका जो भी प्रकरण है वो उत्तर निकलना चाहिए एज इट इज सेम, जो भी आपका प्रकरण है मेन प्रकरण, ठीक है। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन ये बन जाता है, ठीक है। किसी में मान लीजिए कि चार क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपका प्रकरण है वो तीसरे क्वेश्चन में निकल जाएगा। किसी में मान लो कि छः क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपका पांचवा क्वेश्चन का उत्तर आपका प्रकरण निकल जाएगा, और छठा क्वेश्चन अंतिम के बारे में आप क्या जानते हैं, इस प्रकार से आप बना सकते हो। ये समस्यात्मक रहता है, इसका उत्तर यहाँ पे नहीं लिखना होता है, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद में उद्देश्य कथन बोलना होता है क्लास में कि प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक में संकलित रासायनिक बंध नामक बिंदु पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, या नामक पाठ पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये इस प्रकार से पूरा आपको बोलना होता है और इसी प्रकार से शुद्धिकरण के साथ इसको लिखना होता है। अब ये तो हो गया आपका उद्देश्य कथन। अब इसमें शिक्षण बिंदु, यानी आपने रासायनिक बंध जो है वो एक प्रकरण लिया, लेकिन उसके अंदर आप पढ़ाओगे क्या चीज, वो क्या कहलाते हैं, शिक्षण बिंदु कहलाते हैं, ठीक है। तो शिक्षण बिंदु आप दो ले लिया इसके अंदर, जैसे मान लो रासायनिक बंध व प्रकार, यानी सामान्य जानकारी आ जाएगी इसके बारे में और प्रकार आ जाएंगे। दूसरा बिंदु जो है वो आपने अलग ले लिया, कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो इस प्रकार से दो बिंदु आपने उसमें से निकाल लिए, जो भी आपका प्रकरण है उसके अंदर से आप जो पढ़ा रहे हो, जैसे मान लो कि एक पाठ है, पाठ का नाम अलग हो गया, ठीक है। उस पाठ के अंदर जैसे मान लो 10 पॉइंट आ रहे हैं अलग अलग, कोई विशेषता आ रही है, कोई प्रकार आया है, कोई अन्य चीज़ आ रही है, तो उसमें से कोई भी दो पॉइंट आपको लेने हैं या तीन पॉइंट ले सकते हो, उनको शिक्षण बिंदु कहलाते हैं वो, ठीक है। फिर तीनों शिक्षण बिंदुओं को अलग अलग रूप में आपको पढ़ाना होता है। फिर जैसे आपने पहला शिक्षण बिंदु लिया तो फिर आपके इंडेक्स जो है आगे इस प्रकार से बन जाएगी, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि प्रविधि और श्याम प्रसार, ठीक है। ये इंडेक्स बन जाएगी इसके अंदर। अब यहाँ पे रासायनिक बंध व इसके प्रकार, यहाँ पे इस प्रकार से नाम लिखना है, शिक्षण बिंदु का मेन, और फिर विकासात्मक प्रश्न आने। बहुत सारे मैंने देखा है कई जगह जिनको ध्यान नहीं होता है, विकासात्मक क्वेश्चन लास्ट में डाल देते हैं, पहले विषय वस्तु शुरू करते हैं, या आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। सबसे पहले जो है विकासात्मक क्वेश्चन आएंगे, और वो भी पहले आपका जो पहला शिक्षण बिंदु है उससे संबंधित, यदि दूसरा शिक्षण बिंदु है तो दूसरे से संबंधित है। और ये एक प्रकार से ये मान के चलो कि प्रस्तावना की तरह ही इसके नियम रहते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन बनेंगे वो उसका लिंक जो है वो आपके सब्जेक्ट से संबंधित ही होना चाहिए, जो आप पढ़ा रहे हो उससे तक ले जाने के लिए बच्चों को उसी प्रकार से प्रस्तावना की तरह ही इसको करना होता है। तो इसमें जैसे हमारे चारों ओर जो वस्तुएं हवा आदि जो भी पाई जाती हैं, ये सब क्या कहते हैं, पदार्थ। तो पदार्थ कितनी, यदि इस प्रकार से ये पदार्थ उत्तर आया तो दूसरे में ये निकल गया, फिर तीन अवस्थाएँ आ गई, ठोस, द्रव, गैस, और फिर नीचे ठोस के बारे में पूछ लिया। तो इस प्रकार से आपने पाँच क्वेश्चन या छः क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये छः क्वेश्चन यहाँ पे निकल गए, और छठा क्वेश्चन जो रहेगा वो समस्यात्मक हो गया, या पाँचवा होता तो पाँचवा हो जाता, यानी जितने भी पाँच या छः क्वेश्चन होते हैं उसके बाद। फिर यहाँ से आपको छात्राध्यापिका कथन या छात्राध्यापक, यदि आप लड़की हो तो छात्राध्यापिका लिखना है, और यदि आप लड़के हो तो छात्राध्यापक लिखना है। फिर यहाँ पे 150-200 शब्दों के अंदर कम से कम विषय वस्तु डालनी होती है, और विद्यार्थी, फिर विद्यार्थी क्रिया के अंदर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, और आगे व्याख्यान विधि हो जाएगी। और ये जो आपको श्यामपट लगाना होता है, एक ये चार्ट आता है शॉप से, किसी भी शॉप में, बुक डिपो से ले सकते हो,
₹10 का शार्ट आता है, इसको काट काट के आप इस प्रकार से ब्लैक बोर्ड बना सकते हो और इसको जो भी शिक्षण बिंदु है छात्राध्यापिका कथन जहाँ पे भी आप लिख रहे हो उसके जस्ट आगे श्याम पटकारी के अंदर इसको लिखना कंपलसरी है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये 4 नंबर पेज डबल स्कैन हो गया था, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए 4 नंबर पेज क्या है, डबल स्कैनिंग में, तो आपको मैं ये PDF दे दूंगा, ये डबल स्कैनिंग में है, तो इसको 4 नंबर पेज जो है आप 2 बार प्रिंट नहीं निकालें, एक बार ही बहुत है। अब आपको क्या करना है कि 5वां जो पेज है उसके अंदर इस प्रकार से जिसे आपका शिक्षण बिंदु हो ही गया, अब इसमें क्या करना है कि जो आपने पढ़ाया है, ठीक है, ये अभी अपनी विषय वस्तु चल रही है, ठीक है, विषय वस्तु चल रही है विधि प्रविधि के अंदर, ये आप यहाँ पे इनके जो भी प्रदर्शन विधि चार्ट वगैरह बनाया है तो यहाँ प्रदर्शन विधि आ गया, ठीक है, नाम यहाँ प्रदर्शन विधि लिख दिया और यहाँ पे जो भी चार्ट वगैरह बनाया गया है वो चीज़ उसका मिनीचर लगाया गया है बच्चे के द्वारा, ठीक है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ आप विषय वस्तु के अंदर जो जो आप पढ़ा रहे हो इस पाठ के अंदर वो आप लिखते जाओ। फिर इसके अंदर बाद में आएंगे विषय वस्तु जैसे पूरी हो जाती है फिर होते हैं बोध प्रश्न। बोध प्रश्न के अंदर क्या करना होता है, आपको पहले जो आपने विषय वस्तु पढ़ाई है, ठीक है, जो आपने विषय वस्तु पढ़ाई है उसी में से ही क्वेश्चन निकालने हैं और इसका कोई भी नियम नहीं रहेगा। बोध क्वेश्चन के अंदर आपकी विषय वस्तु है उससे लिंक होनी चाहिए, उससे तारतम्यता होनी चाहिए, इसमें उत्तर से प्रश्न या प्रश्न से उत्तर या इस प्रकार का जो लिंक है जैसे प्रस्तावना में होता है वैसा कोई भी नियम यहाँ पे नहीं रहेगा, समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पे क्या करना है कि बोध प्रश्न जैसे मान लो रासायनिक बंध किसे कहते हैं, ठीक है, इसके बाद बच्चे ने ये उत्तर दिया, उत्तर देने के बाद में आपको क्या करना है, पुनर्बलन का प्रयोग करना है, शाबाश, अच्छा, बहुत बढ़िया, या गर्दन हिलाते हुए, हाँ की स्थिति में गर्दन हिलाते हुए क्या हो गया, ऐसा शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन, यदि गर्दन नहीं के रूप में हिल रही है तो अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन, या तो यहाँ पे हर प्रकार के पुनर्बलन का उपयोग करना है। एक क्वेश्चन में 2 या 3 पुनर्बलन भी आप उपयोग कर सकते हो, एक बच्चे से पूछा, दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ डायरी के अंदर दर्शा सकते हो। फिर दूसरा क्वेश्चन आया, इसने पुनर्बलन दिया, बहुत अच्छे, ठीक है, इसका उत्तर आ गया, प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी, तो इस प्रकार से आप जो है जैसे अति उत्तम हो गया, तो ये इस प्रकार से आप जो भी विषय वस्तु है उससे संबंधित 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे डालने होते हैं। फिर आगे वाला बिंदु आ गया हमारा 2 नंबर पेज, सॉरी ये 2 नंबर पॉइंट शिक्षण बिंदु। उसके बाद जो 2 नंबर है उसमें भी वैसे ही पहले सबसे पहले विकासात्मक क्वेश्चन करने हैं, फिर वही यहाँ तारतम्यता रहेगी, उत्तर से प्रश्न बनना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है इसके क्वेश्चन जो है बनाए जा रहे हैं और उसके आगे उत्तर जो है आ रही है, जैसे दूसरे क्वेश्चन में उत्तर आ गया, उसके बाद ये तीसरे क्वेश्चन में नाम आ गया, फिर जैसे उसका उत्तर आ गया, तीसरे का नमक आ गया, फिर चौथे में नमक से शुरू हो गया क्वेश्चन, तो इस प्रकार से क्या है ये डालने होते हैं। और यहाँ पे 5वें का जैसे समस्यात्मक डाल दिया और हमारा जो मेन पॉइंट है जैसे NACL, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन जो 5वां पॉइंट है इसी के बारे में हमें क्या कर रहे हैं यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे प्रकरण एक प्रकार से शिक्षण बिंदु हमारा निकल चुका है, यानी 5वां क्वेश्चन रहेगा या अंतिम क्वेश्चन जो भी है, 5वां 6ठा 4था जो भी अंतिम क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन जो है उसके अंदर हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो आना चाहिए। उसके बाद में आपकी छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कथन आ जाएगा और जो आप बिंदु पढ़ा रहे हैं उसके संबंधित 200 शब्दों में 250 शब्दों के अंदर विषय वस्तु लिखनी है और फिर उसी प्रकार से श्याम पटकारी के अंदर चार्ट चिपकाना होता है और चार्ट चिपका करके इसके ऊपर जो भी आप डेमो के रूप में काम दिखाना होता है थोड़ा सा विषय वस्तु के अंदर से ही, ठीक है, और इस प्रकार से जैसे जो विषय वस्तु है उसके अंदर जैसे कोई आपने चार्ट दिखाया, चार्ट बनाया तो चार्ट के रूप में या फिर मॉडल बनाया आपने तो उसका छोटा मिनीचर लगा करके प्रदर्शन विधि लिखना होता है, जैसे इस प्रकार से मिनीचर लगाया गया, छोटा मिनीचर होता है नेगेटिव के रूप में, छोटा आप दर्शा रहे हो तो ये विधि प्रविधि के अंदर इसको चिपकाना होता है और एक छोटा रूप यहाँ पर दिखाना होता है, ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये विषय वस्तु हो गई। फिर इसके बाद में जो विषय वस्तु आप पढ़ा रहे हो उससे संबंधित बोध क्वेश्चन होने चाहिए, तो यहाँ पे आप 3 या 4 क्वेश्चन जो भी पूछ रहे हो वो बोध क्वेश्चन आप बनाइए और विषय वस्तु के अंदर से ही ये बोध क्वेश्चन होने चाहिए, ये बात भी ध्यान रखें। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है मूल्यांकन क्वेश्चन, बच्चे क्या करते हैं सीधे 1-2 क्वेश्चन आगे लिख देते हैं, वैसा नहीं करना है, सबसे पहले निर्देश डालना है,
जैसे मूल्यांकन प्रश्न ऊपरी ऊपर नाम हो गया, फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ के अंदर आप ऐब असैद वाले भी डाल सकते हो, रिक्तस्थान वाले भी डाल सकते हो, सत्य असत्य वाले भी डाल सकते हो, हाँ ना वाले भी डाल सकते हो, या इस प्रकार के जो आप अच्छी प्रकार से जानते हैं, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो वस्तुनिष्ठ में डालने होते हैं। फिर निर्देश लिखना जरूरी होता है, निर्देश कै खै कै, ठीक है, जो भी नंबर आए जैसे भी। तो निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर कर्माक्षर कोष्टक में दीजिए, इस प्रकार से पूरा लिखना होता है। फिर पाठ के अंदर जो भी आपने पढ़ाया उसमें से दो क्वेश्चन निकालो, और यहाँ पे उत्तर नहीं डालने हैं, बस इसी प्रकार से जैसे पुस्तक के आगे लिखा होता है ना खाली लास्ट में पेपर, उसी प्रकार से बनाने। फिर निर्देश खै, पहला वाला कह था, अब खै। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही उत्तर जो है सही या गलत या सत्य असत्य में बताइए। तो यहाँ पे जैसे कोई भी क्वेश्चन बनाया, दो क्वेश्चन बना दिए, फिर आगे सत्य असत्य लिख दिया, ठीक है। फिर निर्देश गए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फिर रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। ये दो दो क्वेश्चन दिए गए, यहाँ पे आप चाहो तो किसी में एक दे दिया, किसी में दो दे दिया, किसी में तीन दे दिया, वो कोई फिक्स नियम नहीं है कि दो ही दो। फिर वस्तुनिष्ठ हो गए। फिर अति लघु उत्तरात्मक, यहाँ पे लघु के अंदर बड़ी मात्रा, ऊ की बड़ी मात्रा आती है, बच्चे क्या हैं, बहुत सारे बच्चे छोटी मात्रा लगाते हैं, इस प्रकार से इसको यहाँ पे ध्यान रखना है। लघु के अंदर अकेला लघु लिखोगे तो वहाँ छोटी आएगी, और लघु उत्तरात्मक यानी उत्तरात्मक और छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके दीर्घ संधि यहाँ पे हो जाती है, तो बड़ा ऊ होता है, ठीक है, आपको मैंने कारण भी बता दिया। फिर निर्देश गह, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में दीजिए, फिर इसमें से आप जो भी क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन जो है वहाँ पे लिखोगे। फिर लघु उत्तरात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक फिर निर्देश लिख दिया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 100 शब्दों में दीजिए, और यहाँ पे आपने कोई क्वेश्चन लिख दिया। फिर निम्नात्मक क्वेश्चन, निम्नात्मक में आपने 200 से 250 या 500 शब्दों में दीजिए, तो इस प्रकार से एक आपने क्वेश्चन लिख दिया। तो ये डायरी में आपको लिखना होता है। फिर लास्ट में बच्चे को क्या है, होमवर्क देना होता है, गृहकार्य देना होता है, उससे संबंधित जो आपने विषय वस्तु पढ़ाई उससे संबंधित एक पूरा 500 शब्दों में या एक बड़े निम्नात्मक के रूप में बड़ा क्वेश्चन उसको देना होता है, ठीक है। अब पर्यवेक्षक टिप्पणी और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर यहाँ पे लिखना होता है, पर्यवेक्षक टिप्पणी और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। यहाँ पे अध्यापक जो है आपकी डायरी को चेक करेगा और जो भी टिप्पणी है वो करेगा। अधिक जानकारी आपको चाहिए तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर दें, वो भी मेरा दूसरा चैनल है, और ये सोटक का सॉल्यूशन चैनल है। इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप बीएड की हर सामग्री आपको मिलेगी, और अन्य क्लासें हैं उनकी भी सामग्री आपको मिलेगी। सूचना से लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने एक प्रकार से लाइव दिखाया है इसके अंदर सारी चीज़, आप इसको बनाएं, और जो पहली पूर्ति है उसमें सुधार करने ज़रूरी है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो पहली पूर्ति होती है जैसे स्टार्टिंग में होती है ना, वो मैं बता देता हूँ आपको कैसे डालनी होती है। जो ये जो पूर्ति है ना, इसमें थोड़ा सा सुधार करना है, क्योंकि बच्चे ने यहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रखा है। तो इसके अंदर आप अपने संबंधित जो भी कॉलेज के अध्यापक हैं, व्याख्याता हैं, उनसे पूछ सकते हो, और उसके हिसाब से ही इसको बनाना होता है। फिर भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, और कमेंट करना न भूलें वीडियो में। यदि कुछ मिस प्रिंटिंग है या कुछ समस्या आपको है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।